हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे तीन आईटी सेक्टर की कंपनीज पे किस तरीके के इनके रिजल्ट रहे हैं और रिजल्ट के बाद में इनमें कैसा रुझान देखने को मिलेगा और आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनमें कैसा रुझान देखने को मिलेगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपको इसमें क्लियर होते हुए दिखेंगे इस वाली वीडियो में कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए या शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाए या ले रखा है तो इसको क्या सेल कर देना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपके क्लियर होते हुए दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो कंपनी है वो है बिरला सॉफ्ट, और बिरला सॉफ्ट जो है सीके बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। और इन जो तीन स्टॉक्स जो मैं इसमें आपको जो बता रहा हूँ डिटेल्ड में, अगर आपको वीडियो जाननी है इनके बिजनेस के बारे में, किस क्या इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, किन किन इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, क्या ये सर्व कर रहे हैं, तो डिटेल्ड वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तीनों में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अभी मैं इस समय पर जो बात करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके जो है रिजल्ट आए और आगे किस तरीके का जो है चार्ट बना हुआ है शेयर में और आगे क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे तो कंपनी जो है एक अच्छे खासी इंडस्ट्रीज को जो है अपने सर्विस प्रोवाइड करा रही है, जिसमें ऑटोमोटिव, बैंकिंग, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज। तो मतलब जो इस समय पे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कंपनी जो है वर्क कर रही है, उनके लिए जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। एंड बिरला सॉफ्ट की अगर बात करते हैं कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके का आया है इस बार, तो उसकी अगर बात करें तो आगे क्या है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि हम आगे एक्विजिशंस भी करते हुए दिखेंगे और कुछ डील्स भी आगे जो है होती हुई दिखेंगी कंप्लीट। तो आगे एनुअली अगर बात देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख सकते हैं अभी इस समय पर बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट कर रही है, क्योंकि कोविड की वजह से आईटी सेक्टर बहुत ही अच्छा खासा इस समय पर चल रहा है। डेब्ट कंपनी के पास में अब बिल्कुल है नहीं है, डेब्ट हो गई है जीरो। एंड रेवेन्यू अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो उसमें भी परफेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ अगर रेवेन्यू अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी आ रही है। और साथ के साथ कुछ और रेशियोज पर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी की जो ईपीएस है वो 11 हो गई है। एंड ईपीएस देख सकते हैं आप 2018 के बाद में दोबारा से फिर इसमें जो है एक बढ़त देखने को मिल रही है। बीच में 2020 में थोड़ा ईपीएस गड़बड़ा गई थी। एंड बुक वैल्यू की देखेंगे तो 78 की बुक वैल्यू है। और साथ के साथ डिविडेंड पर अगर आप नजर मारेंगे तो डिविडेंड में अब देख सकते हैं आप इजाफा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू जो है टू। एंड एफआईआईडीआई के पास में एक बेहतरीन होल्डिंग जो इस कंपनी में मौजूद है। एंड प्रोमोटर्स के पास भी एक देख सकते हैं एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है, अनचेंज्ड होल्डिंग। एंड बढ़िया काम कर रही है कंपनी, बढ़िया कारोबार में है, आईटी के कारोबार में है, और आईटी सेक्टर इस समय पर वैसे धूम मचा रहा है। और साथ के साथ हम आपके सामने कंपनी का जो है शेयर का चार्ट शेयर रखते हैं, तो उसका चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं शेयर का चार्ट जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और ये इससे पिछले महीने की कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसमें जरूर आपको देख सकते हैं एक अनचेंज्ड कैंडल बनी है, जहाँ पे अनडिसाइडेड कैंडल जो है बनती हुई दिखी है। और ये सेकेंड वाली जो कैंडल अब जो बन रही है, ये अगस्त वाली कैंडल जो बन रही है, इसको आप देखेंगे पॉसिबिलिटी है कि ये वाली जो कैंडल का फॉर्मेशन है ये वाली कैंडल ग्रीन में बनती हुई दिखेगी इस महीने के एंड तक। पॉसिबिलिटी है कि ये वाली कैंडल ग्रीन में ही बनती हुई दिखेगी, क्योंकि ऊपर का रुझान देखने को मिल सकता है। बढ़िया, अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की जो है केपीआईटी। और केपीआईटी टेक कंपनी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा जो है सर्विस प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड एडीएस एंड इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, व्हीकल डायग्नोस्टिक, ऑटो सेयर एंड व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा काम कर रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो है अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है। केपीआईटी टेक के अगर रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट मैं आपके सामने रखूं इसका को, तो आप ईयर ऑन ईयर अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो एनुअली रिजल्ट में आप देख सकते हैं 2021 में थोड़ा सा एक गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख सकते हैं थोड़ा सा एक गिरावट देखने को मिली है 2020 के मुकाबले। डेब्ट कंपनी के पास में है नहीं, सबसे खास बात ये है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आ रही है कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। एंड साथ के साथ अगर कुछ और रेशियोज पे अगर बात की जाए
तो मैं आपके सामने इसकी ईपीएस आप देखेंगे तो यहाँ पे ईपीएस में देख सकते हैं, पहले 2018 में माइनस में थी, ईपीएस अब पॉजिटिव में आ रही है। एंड डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो पहले 75 पैसे 1 रुपए का देते थे, अब 1.5 रुपए का देने लगे हैं, इस साल 1.5 रुपए का दिया है। फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू है 10। एंड शेयर के चार्ट की अगर बात करते हैं तो चार्ट में आपके सामने रखूं तो चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो शेयर ने एक दमदार चार्ट है शेयर का, और बेहतरीन यहाँ से भी जो है इस वाले चार्ट का जो फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है अगस्त वाली कैंडल में, तो यहाँ से भी इसके बढ़ने के चांसेस एक अच्छे खासे दिख रहे हैं। एंड साथ के साथ अगर बात करते हैं जेंसर की, तो जेंसर भी बहुत ही सॉलिड कंपनी है और इमर्जिंग कंपनी है ये, और आरपीजी ग्रुप की ये कंपनी है, बढ़िया कारोबार में है कंपनी, और अच्छे खासे इंडस्ट्रीज को जो है अगर देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, हाई टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर के लिए कंपनी जो है अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है। सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस सर्विस, एडवांस इंजीनियरिंग सर्विस, डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, एप्लीकेशन सर्विस एंड फाउंडेशन सर्विस। और कंपनी की अभी यूएस की सब्सिडियरी ने एक कंपनी का एक्विजिशन भी किया है, तो उससे भी कंपनी का आगे जो है रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। जेंसर की बात अगर करते हैं इसके रेवेन्यू की, इसके प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आपके सामने मैं रखता हूं तो ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो कंपनी में एक प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक देखने को मिल रही है 2020 के बाद में। 2021 से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन अगर बात की जाए अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा देखने को मिला है। डेप्ट की अगर बात करें तो डेप्ट है नहीं कंपनी की, डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है। रेवेन्यू की अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक ठाक एक रेवेन्यू आ रहा है, बैलेंस्ड रेवेन्यू आ रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो मार्च वाले प्रीवियस क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ता, वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखी है, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से भी देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त देखने को मिली है। बात करते हैं कुछ और रेशियोज पे, तो ईपीएस में आपके सामने रखता हूँ तो ईपीएस में देखेंगे तो बढ़त देखने को मिल रही है। एंड साथ के साथ अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में भी बढ़त देखने को मिल रही है। एंड साथ के साथ डिविडेंड की अगर बात की जाए तो डिविडेंड भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अपने जो पुराने वाले जो आंकड़े थे उनको छूता हुआ दिखेगा, जो 2000 मार्च 2017 मार्च 2018 2017 2018 के साल में जैसे इनके जो आंकड़े थे उन तक को ये कंपनी का शेयर जो है आने वाले टाइम में छूता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया काम कर रही है कंपनी और आने वाले टाइम में भी बेहतरीन काम करती हुई ये कंपनी जो है दिखेगी। बात करते हैं शेयर के चार्ट की, तो शेयर के एक दमदार चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बन रही है, ये वाला जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ये शेयर को यहाँ से और ऊपर की ओर ले जाता हुआ दिखेगा, और यहाँ से भी आप देखेंगे एक अच्छी खासी चाल आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं तीनों के तीनों स्टॉक्स की क्या करा जाना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तीनों के तीनों स्टॉक्स जो है बेटर हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने ले रखा है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इनमें आपको मुनाफा देखने को जरूर मिलेगा। एंड सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और जिस तरीके की स्मॉल कैप कंपनी जो है बहुत ही अच्छा खासा कारोबार कर रही है, एक्विजिशंस पे एक्विजिशंस करती चली जा रही है, साथ के साथ अपने बिजनेस को और एडवांस लेवल पे लेके जा रही है, तो इन तीनों के तीनों आईटी स्टॉक्स में बड़े ही आराम से आपका पैसा, बहुत अच्छा खासा पैसा आप बनते हुए देखेंगे। तीनों के तीनों स्टॉक्स में बढ़िया कारोबार है इनके, और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी जो है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न कमाती हुई दिखेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको इन तीनों स्टॉक्स में अगर किसी भी स्टॉक्स पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।